कि यार ये बाइक ना मेरे को मज़ा नहीं आ रही है, वो इसीलिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बाइक में हो। रिफंड तो नहीं मिलने वाले, एक बार रजिस्टर हो गई तो हो गई, और काफ़ी सस्ते भी थे, तो अगर आप लोगों को भी चेक करने हैं तो कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो पसंद आए। मतलब एक न्यू बाइक का जो फील होता है ना, अब वो फील नहीं रहा इसमें। हाँ, ये राज की डोमिनर हम लोग ने जो, मतलब ये मैंने ही की थी, इसका ये रैप निकल गया। अच्छा, वो लग नहीं रहा। देखो यार, यही तकलीफ है रैप होने में, फिर ना ऐसे ऐसे उखड़ता है ये जो सब उखड़ रहा है ना। ये पूरी बाइक ग्रीन है, इसको मैट ब्लैक करवाया है, और ये हमारी इसका ये जो दोनों इंडिकेटर्स मैंने लगाया उसमें जो फ्लैशर होता है ना, उसका इतना पावर लगता है ना, ये बहुत अच्छा चमकता है। लेकिन यार अब ना मैं ये बाइक से थोड़ा कंटाल गया हूँ, और क्यों कंटाल गया हूँ मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ। पहले कोल्ड स्टार्ट एंड ऑल कर लूँ, यहाँ से निकलूँ, फिर आपको मिलता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, गुड आफ्टरनून आप सभी को। बहुत टाइम से, मतलब 10 दिन का गैप हो गया, आजकल गैप्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था लास्ट ब्लॉग में कि मेरा ये हाथ थोड़ा काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा इन द सेंस, मेरे यहाँ पे नर्व्स का ऑपरेशन हुआ था ये दो फिंगर्स की, तो मैं डिप्स भी मारता हूँ ना इतने सालों से, मतलब बचपन से, तो मैं डिप्स ये वाला हाथ ऐसे रख के मारता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ स्ट्रेट होके ऐसे हिलता नहीं है, मतलब ऊपर नहीं होता है, तो थोड़ी रेजिस्टेंस है, मेरी फिंगर इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो नर्व्स का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से। तो अचानक से ना इस बार मुझे वो पेन इतना हो रहा है कि मैं कोई भी चीज़ ग्रिप नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं बॉटल पकड़ के पीता भी हूँ ना तो तभी भी मुझे दर्द होता है, मतलब समझ लो कितना पेन होता रहेगा। तो बॉटल पकड़ के सिर्फ पीना, इतनी सी बॉटल का वेट मेरा हाथ बैर नहीं कर पा रहा, तो फिर ये क्लच दबाना तो बहुत दूर की बात हो गई। और क्लच से याद आया मेरे को कि यार ये बाइक ना मेरे को मज़ा नहीं आ रही है, वो इसीलिए क्योंकि मेरे किलोमीटर्स हो गए हैं 4467, लेकिन यार ऐसे फील हो रहा है जैसे 40,000 किलोमीटर चल गई हो, मतलब इतनी रफ फील हो रही है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा। मतलब एक न्यू बाइक का जो फील होता है ना, अब वो फील नहीं रहा इसमें। प्लस अब जो मैं इसको जब चलाता हूँ तो इसकी जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन थ्रॉटल करने के टाइम पे जो इसका जो ग्रंट था ना, मतलब जो आवाज़ थी, वो भी थोड़ी चेंज हो गई है, मतलब अच्छा साउंड नहीं आ रहा है। और इसका जो क्लच है वो भी अब मेरे को मेरे हाथ की वजह से ऐसा लग रहा है, या क्यों लग रहा है वो तो मैं, मतलब ये श्योरली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसका क्लच मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, पता नहीं यार क्यों। तो ये क्लच वाले पे आप एकदम 100% श्योरिटी मत लेना मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे हाथ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने जितने टाइम से चलाया है मुझे ये वाला हार्ड लग रहा है पहले से, मतलब कंपेयर टू अर्लियर। और इसका साउंड तो यार बेकार हो गया, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। कंपनी ने मेरे को बोला था कि अगर आप सिटी में चला रहे हो ना तो आप हर 2,500 किलोमीटर में सर्विस करवा लो, वैसे तो इसका सेकेंड या थर्ड सर्विस इंटरवल मेरे ख्याल से कुछ 7,500 या 5,000 या कुछ तो था, मेरे को याद नहीं है, नहीं 7,500 ही था, मतलब जो एडवेंचर का होता है ना वही। लेकिन उन्होंने बोला अगर आपका हाईवे पे ज़्यादा जाना नहीं है और सिटी पे ज़्यादा जाना है तो आप 2,500 किलोमीटर में सर्विस करवाना, मतलब इंटरवल्स में। तो मेरा सर्विस इंटरवल मेरे ख्याल से कुछ 6,000-8,500 में था, लेकिन यार 4,500 किलोमीटर में ही मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या, मतलब बहुत पुरानी वाली KTM चला रहा हूँ मैं, पुरानी वाली इन द सेंस ऐसी KTM जो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं जब दूसरी KTMs को देखता हूँ, 390, 200 जो पुराने वाले मॉडल्स है, जब वो बाजू से जाती है ना तो उसका साउंड अभी भी ऐसे लग रहा है कि नया ही है। और जो फर्स्ट मॉडल है ना, जो रिक्शा वाला साउंड आप बोलते थे रिक्शा, लेकिन उसका भी वो जो, मतलब जो उसका साउंड है ना वो भी अभी तक
बरकरार है, मतलब वैसा ही है जैसा सुनते थे हम लोग पहले। इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बदल रहा है टाइम बीइंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हर बाइक में हो सकता है सिर्फ मेरी बाइक में है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत लोगों की बाइक्स में आए हैं जो मेरी बाइक में अभी तक कभी नहीं आया। अगर मैं बताने बैठूंगा ना तो यार बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना मोस्टली मतलब रोज़ मैसेजेस आते हैं अलग अलग लोगों के कि भाई मैंने ये बाइक ली, अब मेरी बाइक में ये हो गया। दो दिन पहले एक का मैसेज आया था कि भाई नई बाइक है और इंजन लीक हो रहा है, नई बाइक है इंजन लीक हो रहा है। मैंने दो तीन बार कंप्लेंट किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनका। मैंने बोला यार अब लगे रहो सर्विस सेंटर वालों से बात करके, और क्या ही कर सकते हैं, रिफंड तो नहीं मिलने वाला, एक बार रजिस्टर हो गई तो हो गई। और मेन बात तो मैं कहना भूल गया, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 26 जनवरी, आज रिपब्लिक डे है। मुझे जाना था राइड पे लेकिन मेरा हाथ उतना स्ट्रांग अभी तक हुआ नहीं है कि मैं लॉन्ग राइड पे जा सकूं, तो इसीलिए मैं नहीं गया। वरना आज के दिन तो सब लोग फ्लैग लेके सारे बाइकर्स निकलते हैं राइड पे। हमारे यहाँ से लोनावला जाते हैं, मतलब टाइगर पॉइंट जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सब अलग अलग जगह पे जाते हैं। कोई ब्रेकफास्ट राइड करके निकलते हैं। एक और चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये बाइक में जब मेरे ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गए थे, मतलब राइड पे ख़त्म नहीं हुए थे, एक्चुअली टूट गए थे या क्या हो गया था पता नहीं, कोई तो प्रॉब्लम थी, तो मुझे वो गांव खेड़े में ना ब्रेक पैड्स मिल नहीं रहे थे। तो मैंने कंपनी में कॉल करके पूछा था कि इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है क्या जो इसमें लग सकते हैं, तो मुझे उन्होंने बताया पल्सर 220F का लग सकता है और NS का लग सकता है। तो मैंने मतलब दोनों के सेम ही है, तो मैंने उसका ब्रेक पैड लगाया इसमें रियर ब्रेक में। और सच बोलूँ ना मैं, मतलब पहले वाला तो मुझे ब्रेकिंग इतना पंच पता नहीं है कितना ले रहा था वो, लेकिन वो वाले जो बजाज के ब्रेक पैड्स है ना अच्छे चल रहे हैं इसमें, और काफ़ी सस्ते भी थे। तो अगर आप लोगों को भी चेक करने हैं तो कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो पसंद आए इसका ब्रेकिंग वो वाले ब्रेक पैड्स में, अच्छा था। बाकी अभी घर तो हम लोग पहुँच गए, ये रास्ता हमारे यहाँ पे बन रहा है यार, ये पूरा रोड बंद कर दिया है। तो अभी घर पहुँच के खाना वाना खाने के बाद फ्री होके जो मैंने हेडलाइट पे ब्लैक फिल्म लगाई है ना, वो ब्लैक फिल्म पूरी निकाल दूंगा मैं, मतलब बस हो गया। अब वो सुबह सुबह निकलता हूँ, एक तो दिन छोटे और रात लंबी हो गई है ठंड की वजह से, मतलब विंटर्स में यही होता है। तो सुबह ना मेरे को मतलब वो हेडलाइट का थ्रो नहीं मिल रहा है, अंधेरे में बहुत चलानी पड़ रही है बाइक। तो चलो अभी ये फिल्म निकालते वक्त मिलूंगा, उसके बाद वीडियो को कर देंगे रैप अप। आज के लिए इतना ही।